FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब किसी भी आपराधिक घटना की प्राथमिक सूचना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे मैंडेटरी भी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी थाने में अपराध प्रभावित अथवा पीड़ित व्यक्ति की शिकायत करने पर थाना प्रभारी को तत्काल FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। FIR किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। हालांकि अक्सर पुलिस पीड़ितों को यह कहकर टाल देती है कि अपराध उनके थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसलिए पीड़ित व्यक्ति को अपने नज़दीकी थाने यानी जहां पर वो रहता है या फिर उस थाने क्षेत्र में जिसमें वो अपराध का शिकार बना है वहां पर FIR दर्ज करानी चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं सबसे पहले क्या करना होता है। FIR दर्ज कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति को एक कागज़ पर अपने साथ हुई घटना का पूरा विवरण लिखना होता है। विवरण में अपराध की जानकारी, आपराधिक घटना कब कहां किस वक्त हुई, इसकी जानकारी के अलावा व्यक्ति का नाम और पता भी लिखना होता है। अगर आरोपी व्यक्ति का नाम या पता नहीं मालूम है तो उसकी गाड़ी का नंबर या मोबाइल नंबर जैसे अन्य जानकारियाँ प्रार्थना पत्र में लिख कर अज्ञात आरोपी का जिक्र किया जाता है। अंत में प्रार्थना पत्र पर पीड़ित व्यक्ति के हस्ताक्षर किए जाते हैं। ऐसी समस्त जानकारियों वाला प्रार्थना पत्र को लेकर पीड़ित व्यक्ति को पुलिस थाने जाना होता है। तहरीर के आधार पर ही थाने की जनरल डायरी में FIR दर्ज कर उस आरोपी के खिलाफ नियमानुसार IPC की धारा शामिल की जाती है। किसी आपराधिक घटना पर अगर पीड़ित FIR कराने की स्थिति में नहीं है तो पुलिस अपनी तरफ से भी FIR दर्ज करा सकती है। FIR किसी भी अपराधी के लिए कानूनी कार्रवाई का सबसे पहला दस्तावेज होता है, इसलिए इसे बहुत ही सोच समझकर और सावधानी से ड्राफ्ट करनी चाहिए। कानून के जानकारों का कहना है घटना होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी FIR दर्ज कराई जाए उतना बेहतर रहता है। पीड़ित व्यक्ति FIR में अपनी साथ हुई आपराधिक घटना और आरोपी के बारे में जो जो जानकारियाँ देता है उसी पर पुलिस चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल करती है और उसी चार्जशीट पर कोर्ट सुनवाई करके अपना अंतिम निर्णय भी सुनाती है। अगर FIR दर्ज करने में जरा भी लापरवाही की जाती है तो इसका खामियाजा पीड़ित व्यक्ति को उठाना पड़ता है। FIR वापस भी ली जा सकती है, बशर्ते पुलिस ने FIR पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में दाखिल ना किया हो। FIR वापस लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को संबंधित थाना प्रभारी को एक प्रार्थना पत्र देना होता है। अगर पुलिस FIR वापस करने से मना कर देती है तो पीड़ित व्यक्ति कोर्ट के जरिए इसे वापस ले सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी करती ही है। अधिकतर मामलों में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने आए पीड़ितों को टाल देती है। ऐसे में पीड़ित कोर्ट की शरण ले सकते हैं। CRPC की धारा 156(3) के तहत पीड़ित अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए पीड़ितों को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देना होता है। कोर्ट में पीड़ित को यह बताना होता है कि उसने पुलिस अधिकारियों और संबंधित थाने में लगातार संपर्क कर प्रार्थना पत्र दिए लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद कोर्ट पुलिस की प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों से इसका व्याख्या मांगता है, फिर सीधे FIR दर्ज करने का आदेश जारी करता है। FIR को लेकर लोगों में गलतफहमियां भी हैं। कहा जाता है जिस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होती है उसे देश से बाहर जाने का अनुमति नहीं होती, उसका वीजा या पासपोर्ट नहीं बनता अथवा अन्य कानूनी दिक्कतें आती है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आदतन अपराधी है यानी जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुके हैं उनके लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं। जिन लोगों पर मामूली FIR होती है और पुलिस की तरफ से ऐसे लोगों का चालान नहीं किया जाता या उन्हें गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाता ऐसे लोगों पर ये नियम नहीं लागू होता है। तो दोस्तों, आज आप जान गए होंगे FIR से जुड़ी सारी जानकारियाँ। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।